बैम्बू चिकन कुकिंग। एक समय पर सुभाष नाम का एक रसोईया एक बार अपनी पत्नी के साथ मिलकर नदी के किनारे एक ढाबा शुरू किया। उसके पास रोहित नाम का रसोईया मदद के लिए था। वहां आए लोगों को सुभाष का बनाया बैम्बू मशीन का ग्रिल चिकन बहुत पसंद था। एक कस्टमर सुभाष से, सुभाष जी ये नदी के किनारे ये ग्रिल चिकन खाने का मजा, वाह अलग ही मजा है जी। ऊपर से ये बैम्बू मशीन का आइडिया बहुत अच्छा है जी, वाह। रोज रोज उस ढाबा पर ज्यादा लोग आने लगे। एक बार सुभाष के पास उसे मुर्गी सरफरा करने वाला मुर्गियों का व्यापार आकर, क्या भाई सुभाष, दिन ब दिन आपका व्यापार बढ़ता ही जा रहा है, तुम्हें देखकर मेरा भी मन करता है कि ढाबा शुरू कर लो भाई, तुम सपोर्ट करोगे? श्रीमान आप मुर्गियों का व्यापार कीजिए, वही आपके लिए सही है, यहाँ बहुत सारा काम होगा, वो सब मेहनत करना पड़ता है। वो मेहनत मैं कर लूंगा भाई, तुम बस वो बैम्बू मशीन बनाकर दे दो, बस बाकी का मैं चला लूंगा। माफ कीजिए भाई, बस वो एक चीज मत मांगिए, ये बैम्बू मशीन ही मेरा निवेश है। ठीक है, तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे ये कह रहे हो, मैं देख लूंगा। अगले दिन वो एक ढाबा को सुभाष के ढाबे के सामने शुरू किया। वो देखकर सुभाष की पत्नी, ओ जी अचानक ये मुर्गियों का व्यापारी ऐसे ढाबा को कैसे शुरू कर लिया, वैसे वो रसोईया है कौन, ये उन दोनों देख रहे थे कि इतने में अंदर से रोहित आते ही सुभाष और उसकी पत्नी देखकर दंग रह गए। सुभाष तब रोहित के पास आकर, ये क्या रे, एक बार तो बता सकते थे ना, अगर तुम्हें ढाबा शुरू ही करना था तो हमसे कह सकते थे ना, हम ही कोई प्लान बना कर देते ना। इसमें आश्चर्य में आने वाली क्या बात है, ये मुर्गियों का व्यापारी मेरे पास आकर अच्छा पेमेंट दूंगा कहा, मैं चले गया, बस सिंपल। ठीक है रे, तुम जहाँ भी हो खुश रहो, कहकर चले गया। उस दिन से धीरे धीरे सुभाष के पास आए लोगों की संख्या कम होकर सब मुर्गियों के व्यापारी के ढाबा पर जाने लगे। एक दिन रोहित मुर्गियों के व्यापारी के पास जाकर, श्रीमान मेरी सैलरी बढ़ाइए, मेरे वजह से आपका व्यापार अच्छा चल रहा है ना? क्या भाई, तुम्हारे वजह से मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है? मेरी मुर्गियों को मैं बाहर 300 रुपए केजी में बेचता हूँ, लेकिन मुझे वो 100 रुपए में ही मिलते हैं, इसलिए हम ग्रिल चिकन का रेट इतना कम लगाए। सुभाष के ढाबे का रेट से यहाँ के ढाबे में चिकन रेट कम होने के कारण सब यहाँ आ रहे हैं, तुम्हारे वजह से संख्या बढ़ी है, ऐसे मत सोचो, ये याद रखो। रोहित को बहुत अपमानित महसूस हुआ, लेकिन क्या करे वो समझ नहीं पाया तो वहाँ से चले गया। एक बार सुभाष परेशान बैठा था तो बेटी लक्ष्मी आकर, क्या हो पिताजी, क्यों इतने डल हो? सुभाष तब जो हुआ वो बताया। पिताजी मुझे पूरी बात समझ आ गई, अब मैं संभाल लूंगी। अगले दिन एक स्पोर्ट्स कार में एक रिच फेलो मुर्गियों के व्यापारी के पास जाकर, हेलो मैन, मैं यहाँ एक 5-स्टार होटल बनाने की सोच रहा हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। 5-स्टार होटल, यहाँ वह सब बेकार हो जाएगा जी, यहाँ कोई नहीं आता। नहीं नहीं, यहाँ रोहित नाम का कोई खाना बनाने वाला है, वो बहुत अच्छा बनाता है, सुना है वो बहुत फेमस हो गया है, हमारे गांव में उस रोहित के बारे में ही बात करते हैं। वो बातें सुनकर रोहित वहाँ आकर, बताइए मैं ही रोहित हूँ। अरे इसका उतना सीन नहीं है जी, बस एवरेज खाना बनाता है, शायद आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया होगा। देखो रोहित, मैं तुम्हें महीने का 1,00,000 तनख्वाह दूंगा, यही एक बड़ा सा 5-स्टार होटल बनाना चाहता हूँ, तुम संभल पाओगे? रोहित बिना एक क्षण सोचे, श्रीमान मुझे 1,00,000 दोगे तो होटल को पूरा मैं संभाल लूंगा। ये लो एडवांस, अब से तुम मेरे पास ही काम करोगे, कहकर पैसे दिया। मुर्गियों का व्यापारी क्या करे समझ नहीं पाया। मुर्गियों का व्यापारी कई खाना बनाने वाले को लेकर आया, लेकिन कोई भी ठीक से खाना नहीं बनाने के कारण व्यापार ठीक से नहीं चला, तो वो ढाबा को बंद कर दिया। शहर में वो रिच फेलो लक्ष्मी को, सुभाष को, रोहित के पास लेकर आया। रोहित उन तीनों को देखकर पूरा प्लान समझकर, ओ सुभाष क्या प्लान बनाए, वाह आखिरकार मुझसे होटल बनवा रहे हो, मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब से रोहित उस 5-स्टार होटल में अच्छे से व्यापार करके जीने लगा।
गांव के एक गुफा में एक चोरों का सरदार ऐसे बोल रहा था, 40 साल 40 years के लंबे सफर के बाद हमारा सोमू आज रिटायर हो रहा है। कई चोरों को देखा है लेकिन हमारा सोमू बेबदल है। सोमू साहब, वी विल मिस यू। रिटायर होकर आप क्या करना चाहते हो? चोरी के अलावा मैंने ना कुछ किया है ना मुझे कुछ पता है। रिटायर होने के बाद मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं। सरदार तब सोचकर, सोमू साहब आप क्यों ना एक रेस्टोरेंट खोल दें? रेस्टोरेंट? मैं कहाँ बनाऊँ रेस्टोरेंट? मेरे पास जगह कहाँ है रेस्टोरेंट बनाने के लिए? जमीन के ऊपर जगह की जरूरत पड़ेगी लेकिन जमीन के नीचे थोड़ी ना पड़ेगी। भूगर्भ में रेस्टोरेंट? हाँ, हमारे चोरों को सिक्योरिटी नहीं है। हर जगह हम खाना नहीं खा सकते, इसीलिए चोरों के लिए चोरों का रेस्टोरेंट। हमारे चोरी का माल इसी रेस्टोरेंट में छुपाएंगे, क्या कहते हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप जैसे चोरू चक्के इस दुनिया में हैं, मुझे कोई कमी नहीं होगी। रिटायरमेंट में भी मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद। वैसे सोमू सरदार के कहने पर भूगर्भ में एक रेस्टोरेंट खोलता है। सभी चोर रात को चोरी करके उस जगह पर पहुंचकर भूगर्भ में उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं। रात को दारू पीकर खाना खाकर उस रेस्टोरेंट में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह एक चोर, भाई आपका आइडिया बढ़िया है भाई, हम चोरों को सिक्योरिटी दिया है भाई तुमने, ऐसे आराम से सोकर कितने दिन हो गए भाई। ये सिर्फ मेरा किया धरा नहीं है, हमारे सोमू नहीं होते तो हम इतने आराम से नहीं सो पाते। इतने में जमीन के ऊपर पुलिस साइरन सुनाई देती है। इन पुलिस वालों को पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। वो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, हम तो आराम से यहीं पे रहेंगे। आज यहीं पे रहेंगे और कल सुबह उनके निकलने के बाद बाहर निकलेंगे। जमीन के ऊपर पुलिस एसआई, फॉरेस्ट ऑफिसर, गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक इस मार्ग पर रोड डालने का प्रपोजल आया है, आज शाम ही इस रोड को डालेंगे। श्योर सर, रोड अच्छे क्वालिटी का बनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मुझे विशेष रूप से जांच करने के लिए बोला गया है। उस शाम को रोड रोलर के सहारे वहाँ रोड बनना शुरू होता है। थोड़ी देर बाद एसआई रोड रोलर के ड्राइवर के पास आकर, रोड रोलर को रोक दो, किसी एनजीओ ने कोर्ट से स्टे हासिल किया है ये कहकर कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पेड़ों को तोड़ा है, तब तक इस रोड रोलर को कहीं आसपास पार्क कर दो। रोड रोलर का ड्राइवर उस गुफा के द्वार के पास पार्क कर देता है। शहर में चोरियां ज्यादा हो रही हैं और जितनी भी कोशिश करूं उन चोरों को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अब तक वही परेशानी है सोचा था, अब ये एनजीओ ग्रुप भी आ पड़ा। ठीक है चलो, कहकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह चोरों का सरदार, ओए चलो चलो पुलिस वाले निकल गए, कहकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। चार लोग साथ मिलकर प्रयास करते हैं तब भी वो दरवाजा नहीं खुलता। अरे ये क्या, इतना प्रयास करने पर भी दरवाजा नहीं खुल रहा है, अब क्या करें, कहकर सोचने लगता है। हर एक चोर दरवाजे को खोलने के प्रयास में नाकाम होते हैं। सरदार हम ऐसे कैसे फंस गए सरदार? देखेंगे, हमारी कोशिश हम करेंगे। वैसे 3 दिन निकल जाते हैं। सरदार रेस्टोरेंट में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, 3 दिन हो गए हैं नहा के। हमारे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, हमें इस जगह के बारे में किसी को बताना चाहिए। वैसे थोड़े चोर थोड़े लोगों को कॉल करके उनका पता बताने लगे लेकिन बहुत लोग वहां आकर कुछ ना दिखने पर वापस चले गए। आखिर में एक युवक वहां आकर, भाई भाई आपके लोकेशन पे आ गया हूँ लेकिन आपके गुफा के दरवाजे पर रोड रोलर पार्क किया हुआ है, मैं इसे कैसे हटा सकता हूँ, ऊपर से इस पे ताला लगा हुआ है भाई, कहकर वहां से निकल जाता है। ये बातें सुन के सरदार,
ओहो हो हो, बहुत बड़ी समस्या है। उस रोड रोलर को कोई हटा नहीं सकता। उसकी चाबी तो पुलिस के पास है। पुलिस वाले कब आएंगे हमें पता नहीं है। अब कैसे, कहकर सोचने लगता है। सरदार लाचार होकर पुलिस को कॉल करके, एसआई साहब, हम सरेंडर हो रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम लोग कहाँ हो बताओ? आपने रोड डालते वक्त अपने रोड रोलर को जहाँ पार्क किया उसके बिल्कुल नीचे है। एसआई और उसके साथी जल्दी जल्दी वहां पहुंचते हैं और रोड रोलर को हटाकर गुफा के अंदर जाकर सभी को अरेस्ट करते हैं। एक गांव में अनंत नाम का एक बिरयानी बेचने वाला आदमी रहता था। अनंत का बिरयानी उस गांव में बहुत मशहूर था। अनंत के बच्चे नहीं रहने के कारण वो अनाथ आश्रम से एक बच्चे को लाकर पालने लगा। उस बच्चे का नाम चंदन रखा और उस बच्चे को अच्छे से पढ़ाकर बड़ा किया। चंदन अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई व्यापार करने का सोचकर पिता के पास आकर, पिताजी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं डिस्टिंक्शन में पास हुआ हूँ। अमेरिका या कनाडा जाकर कोई व्यापार करने की सोच रहा हूँ। मेरे ज्यादातर दोस्त भी अमेरिका को जाने की सोच रहे हैं पिताजी। अमेरिका क्यों रे, हमारे देश में ही व्यापार कर सकते हो ना, तब हमारा देश भी तरक्की करेगा ना। यहाँ सौलते कहाँ है पिताजी, हम जाकर किसी को हमारे पास व्यापार करने का एक अच्छा आइडिया है कहकर बोले तो ये लोग हंसने लगे हैं पिताजी। इसीलिए अच्छे से अच्छे बुद्धिमान लोग अमेरिका में ही सेटल हो जा रहे हैं। ऐसे नहीं बेटा, मैं जो काम बोल रहा हूँ वो करने के बाद तुम जरूर अमेरिका जाओ, मगर उससे पहले तुम यहाँ पर एक व्यापार शुरू करो। अगर तुम यहाँ सफल हुए समझो तो तुम दुनिया में कहीं पर भी सफल हो सकते हो। चंदन तब अच्छे से सोचकर, यहाँ कौन सा व्यापार शुरू करो पिताजी? दूसरा कोई व्यापार क्यों रे, अपना बिरयानी सेंटर बिजनेस है ना, उसे पूरे देश में फैलाओ। डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पुराने कस्टमर्स हमारे पास ही आकर खाएंगे ना। चंदन ठीक है कहकर अनंत बिरयानी व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करके दिन रात अच्छे से सोचकर स्विगी जोमैटो जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी वालों से बात करके अपने बिरयानी सेंटर को उनसे जोड़ा। बहुत कम दिनों में ही अनंत बिरयानी पॉइंट में बहुत सारी बिरयानी के ऑर्डर्स आने लगे और फूड डिलीवरी बॉयज लाइन में आकर खड़ा होने लगे। अनंत बिरयानी कम समय में ही बहुत मशहूर हुआ। लगभग सारे गांव में अनंत बिरयानी सेंटर के ब्रांचेस खुलने लगे। एक बार अनंत चंदन से, चंदन तूने तो चमत्कार कर दिया है रे, बहुत कम दिनों में ही हमारे बिरयानी को पूरे प्रदेश में मशहूर कर दिए हो, कहकर उसकी प्रशंसा करने लगा। एक बार चंदन अपनी प्रेमिका हेमा के पास आकर, हेमा हमारे प्यार के बारे में अपने पिताजी से बात की। मैंने उन्हें बताया डियर, तुम द ग्रेट अनंत बिरयानी सेंटर के मालिक के बेटे हो कहकर उनसे कहा। वो 5 मिनट में आएंगे बोले थे, वो देखो मेरे पिताजी बातों में ही आ गए। हेलो अंकल, मेरा नाम चंदन है। हेलो चंदन, नाइस मीटिंग यू, कहकर हाथ मिलाया। अंकल आपको पता ही है ना, यू कुछ कहने वाला था। या मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बताया है, मगर मुझे एक शक है, कल के दिन अनंत बिरयानी का वारस तुम ही होगे, इसका गारंटी क्या है? आप क्या बात कर रहे हैं अंकल, मैं उनका बेटा हूँ। ओ कम ऑन, सेंटिमेंट के बातें छोड़ो और बिजनेसमैन की तरह सोचो। अगर लीगली देखा जाए तो तुम अनंतनाग के सगे बेटे नहीं हो, उन्होंने तुम्हें पालकर बड़ा किया है, बस वो तुम्हें अपनी पूरी जायदाद देंगे, इसकी तो गारंटी नहीं है ना। उसके बातें सुनकर चंदन एकदम से सोच में पड़ गया। हाँ सच्चे अंकल, तो पहले अपने बैकग्राउंड को मजबूत बनाओ, उसके बाद ही हम शादी के बारे में बात करेंगे, कहकर वहां से चला गया। उस रात चंदन अपने पिता से, पिताजी कह रहे हैं कि अमेरिका जाने के लिए मेरे नाम पे थोड़े जायदाद होनी चाहिए, इसीलिए आप थोड़ी जायदाद मेरे नाम पे लिख सकते हो क्या? थोड़े क्या रे, सब तुम्हारे नाम पर ही लिख लो, कहकर कागजात पे अपने सारे जायदाद उसके नाम पे लिख कर दे दिया। अगले दिन चंदन योगेश को मिलकर, अंकल अब मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, पूरी जायदाद मेरे नाम पर ही है, शादी कब है? अभी, यहाँ पर ही, राइट नाउ। क्या अभी? वो नहीं, मेरे पिताजी के बिना। ओ कम ऑन मैन, वो तुम्हारा सगा बाप तो नहीं है ना,
और ऊपर से मुहूर्त का समय भी हो रहा है, कमान कमान कहकर उन दोनों की शादी घर में ही करवा दिया। चंदन अपने पत्नी के साथ घर गया और उन्हें देखकर आनंद दंग रह गया। ये क्या रे, ऐसे अचानक से शादी किए, कम से कम एक बात तो कह देते। तुम्हें क्यों बताए, ये हमारी निजी मामला है। देखो माँ, मैं इसका पिता हूँ। तुम पिता कैसे बन गए हो, तुमने इन्हें पाला है क्या, या तुम इनके सगे पिता हो। ये मेरा सगा बेटा नहीं है तो क्या हुआ माँ, इसे पाल कर पढ़ा कर इतने बड़े अनंत बिरयानी सेंटर का मालिक बनाया हूँ ना। बाप रे, ये अभी इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं तो कल के दिन और क्या क्या कहेंगे। पिताजी, आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, रुला दिए ना बेचारी को। ओ जी, सच है जी, हम अलग हो जाएंगे, नहीं तो बहुत झगड़े होंगे जी, अगर चाहे तो आपके मुंह बोले पिताजी के मुंह पर थोड़े पैसे फेंक देंगे। उसके बातें सुनकर अनंत एकदम से दंग रह गया। अनंत को वहाँ क्या हो रहा है सब समझ में आ गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, किसी को भी मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं है, अब से ये घर और व्यापार को आप दोनों ही देख लीजिए, कहकर वहाँ से चला गया। ऐसे अनंत अपने घर से निकलने के बाद गांव के बाहर एक ठेली लगाकर बिरयानी तैयार करके बेचने लगा। व्यापार भी ठीक ठाक ही चलने लगा, आए थोड़े कस्टमर्स को अच्छे से बिरयानी बेचने लगा, बगल वाले स्कूल के गरीब बच्चों को मुफ्त में बिरयानी खिलाने लगा। थोड़े दिनों के बाद अनंत बिरयानी धीरे धीरे वहां पर मशहूर होने लगी। एक दिन एक बड़े कार में एक अमीर आदमी आकर, अंकल मुझे एक प्लेट बिरयानी दीजिए। अनंत उस आदमी को बिरयानी दिया। वो अमीर आदमी बिरयानी खाकर, वाह अंकल, इतने सालों के बाद भी आपके बिरयानी का स्वाद नहीं बदला है, आप मेरी एक मदद कर सकते हो क्या, मैं एक बिरयानी सेंटर खोलने की सोच रहा हूँ, उसे आपको ही चलाना होगा, कहा और अपने बिरयानी बिजनेस लगाने के प्लान के बारे में बताया। अनंत अच्छे से सोचकर ठीक है कहा। वो अमीर आदमी उनका धन्यवाद करके, कल ही आकर काम के बारे में बात करूंगा, कहकर वहां से निकल गया। और दूसरी तरफ चंदन दुखी होकर हेमा से, दिन ब दिन हमारे बिरयानी के सेल्स गिरते जा रहे हैं, हमारे ग्राहक बिरयानी का स्वाद पहले के जैसे नहीं है कहकर होटल आना ही बंद कर दिए, लगभग हमारा व्यापार खत्म हुआ है। सोचो तुम्हारे पिताजी से थोड़े पैसे एडजस्ट करने के लिए पूछोगे क्या। क्यों जी, हमने शादी में दहेज नहीं दिया है कहकर अब ऐसे पैसे पूछ रहे हो क्या। मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ आया क्या। हाँ जी, मुझे सब समझ आ गया जी, मैं अब एक मिनट भी यहाँ नहीं रहूँगी, कहकर अपने मायके चली गई। चंदन अब क्या करना है कुछ समझ नहीं पाया और उदास होकर बैठ गया। तभी अचानक एक कार वहाँ पर आकर रुकी। वो आदमी चंदन के घर के अंदर आकर, हेलो चंदन, पहचाना क्या। चंदन उसे देखकर, रे भाई तुम ही हो क्या, क्या रे ऐसे आए। अभी अभी एक अच्छी डील हुई है रे, उस भगवान की कृपा से मैं फिर से बिरयानी बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। ऐसे वो दोनों बहुत देर तक बात किए। उसका दोस्त चंदन से, रे तुम्हारे पिताजी ही मेरे इंस्पिरेशन है रे, एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ रे, एक बार उनसे मिलाओ ना। चंदन तब अपने किए गलतियों के बारे में उसे बताने लगा। चिंता ना करो रे, कम से कम तुम्हें अपने गलती का एहसास हुआ है ना, वैसे तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है रे। पता नहीं रे, मैंने कई जगह उन्हें ढूंढा है मगर वो मुझे कहीं नहीं दिखे। ठीक है रे, मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर मेरे पहचानत के एक अंकल के पास जाएंगे और अपने व्यापार के बारे में उनसे बात करेंगे, वो जरूर मान जाएंगे, कहकर वो दोनों मिलकर अनंत के पास गए। अनंत को देखते ही चंदन, पिताजी, कहकर उनके पैरों पर गिरकर, मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कीजिए पिताजी। उठो बेटा। चंदन के दोस्त को वो ही चंदन के पिता अनंत है कहकर समझ आ गया और चंदन और दोस्त जो हुआ वो सब अनंत को बताए और अपने बिरयानी सेंटर के व्यापार के बारे में बात की और अनंत उनके साथ काम करने मान गया। वो तीनों मिलकर फिर से अनंत बिरयानी पॉइंट बिजनेस शुरू किए
और तब से अनंत और उसका बेटा एक ही घर में खुशी से जीने लगे।